जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की महिमा। महान संत कबीर जी ने कहा है, सबसे मीठा बोलो, इससे तुम सबको सुखी कर सकोगे। कठोर शब्दों का त्याग कर दो, यह सबको वश में करने का मंत्र है। इससे सिद्ध है कि शब्द केवल रिक्त या निरर्थक ध्वनियां नहीं हैं। चाहे जिस विधि से परीक्षा की जाए, शब्द शक्ति का बोध सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि साधारण शब्दों में यह प्रभाव है, तब भगवान नाम की तो बात ही क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान नाम में भगवान की पूर्ण शक्ति रहती है। जहाँ कहीं भी कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ वहाँ स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त कर देते हैं। हे अनेक नामों में व्यक्त होने वाले प्रभु, तुमने इन नामों में अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति भर दी है। प्रभु, तुम्हारे नाम असंख्य हैं, वे व्यर्थ या खाली शब्द ही नहीं, इनमें से प्रत्येक तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। जब कोई भक्तिपूर्वक इन नामों को लेता है, तब तुम्हारी शक्ति भक्त की आत्मा में प्रवेश कर जाती है और वह तुम्हारी सर्वव्यापक सत्ता के भाव से ओतप्रोत हो उठता है। नाम और श्री कृष्ण अभिन्न हैं। भक्ति सहित नाम का भजन करो। नाम के साथ स्वयं श्री हरि सदा रहते हैं। इस प्रकार नामी अपने नाम से संबंधित है। इसलिए जब संत कवि तुलसीदास से पूछा गया कि मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है, तब उन्होंने कहा कि नाम ही एकमात्र नींव है। हे भृगुश्रेष्ठ, भक्ति पूर्वक अथवा उपहास के साथ एक बार भी कृष्ण नाम का गान करने से गायक या नाम उच्चारक की, चाहे वह कोई भी हो, मुक्ति हो जाती है। प्रेम से, घृणा से, उदासीनता अथवा आलस्य पूर्वक किसी प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करने से परम मंगल की प्राप्ति होती है। हरि नाम ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। कलयुग में दूसरी गति नहीं है। निरंतर तुझे पुकारते पुकारते मैं स्वयं तू हो गया और मुझमें कहीं मैं का पता नहीं लगता। निसंदेह यह सत्य है कि यदि हम तल्लीन होकर राम नाम लें, तो कमल नयन राम हमारे मन चक्षुओं के सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रश्न उठता है, इसमें प्रमाण क्या है कि यह दृश्य माया अथवा भ्रांति नहीं है। जो मूर्ति हम देखते हैं, वह विकृत मस्तिष्क की कल्पना नहीं है। फिर सर्वशक्तिमान राम शरीरधारी के रूप में क्यों प्रकट होंगे? उत्तर में शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म चिन्मय अद्वितीय अरूप एवं अशरीरी होते हुए भी भक्तों के लिए रूप ग्रहण करता है। जब हृदय निरंतर जप करने और प्रणव की महिमा का ध्यान करने से निर्मल हो जाता है, तब मूर्तिमान चेतना अथवा शरीरी आत्मा की सिद्धि ज्ञान के द्वारा होती है। फिर कोई विघ्न बाधा नहीं रह जाती। बिना किसी बाधा के समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दुर्बलता का अनुभव करके हमारे परम करुण कारुणिक संतों साधुओं ने उद्धार के बहुत से रास्ते ढूंढे। अंत में उन्हें भगवान का नाम मिला। इससे उन्होंने गाया है कि राम नाम ही सहारा और हमारा आधार है। सब तरह से हारे हुए मनुष्य के लिए बस राम नाम ही एकमात्र तारक मंत्र है। राम नाम यानी श्रद्धा, ईश्वर की मंगलमयता पर श्रद्धा। युक्ति, बुद्धि, कर्म, पुरुषार्थ सब सत्य है, परंतु अंत में तो राम नाम ही हमारा आधार है। राम नाम ही हमारे जीवन का साथी और हमारा हाथ पकड़ने वाला परम गुरु है। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु।